दोस्तों, भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा के लिए साल 2023 काफी मुश्किल भरा रहा। रोहित अपनी कप्तानी में विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023 का फाइनल हारे, इसके बाद विश्व कप 2023 का फाइनल हारे। विश्व कप में मिली हार से कप्तान अभी उबरे भी नहीं थे कि आईपीएल की उनकी टीम मुंबई इंडियंस ने उन्हें सबसे बड़ा झटका दिया, जो उनके साथ साथ उनके और भारतीय क्रिकेट फैंस को चौंकाने वाला था। आईपीएल 2024 के लिए 19 दिसंबर 2023 को नीलामी हुई थी। नीलामी से ठीक पहले और ट्रेड विंडो बंद होने के ठीक बाद मुंबई इंडियंस ने रोहित शर्मा को टीम की कप्तानी से हटा दिया और हार्दिक पांड्या को नया कप्तान नियुक्त कर दिया। एमआई के इस फैसले का भारी विरोध हुआ और टीम की लोकप्रियता में बड़ी गिरावट दर्ज की गई। रोहित शर्मा का मुंबई इंडियंस को आईपीएल की सबसे सफल और लोकप्रिय टीम बनाने में बड़ा योगदान रहा है। रोहित की फैन फॉलोइंग की वजह से टीम की फैन फॉलोइंग देश विदेश में बढ़ती रही है। वे इस टीम के सबसे बड़े चेहरे हैं। 2013 से लेकर 2023 के बीच उन्होंने 5 बार मुंबई को आईपीएल चैंपियन बनाया है। इसके बावजूद उन्हें कप्तानी से हटाने का फैसला काफी हैरानी भरा था। नीलामी के बाद ट्रेड विंडो एक बार फिर खुल चुकी है और माना जा रहा है कि आईपीएल 2024 से पहले रोहित शर्मा मुंबई इंडियंस को छोड़कर किसी दूसरी टीम के साथ जा सकते हैं। इसी बीच रिपोर्ट ये भी आ रही है कि दिल्ली कैपिटल्स और गुजरात टाइटंस ने रोहित को कप्तानी का ऑफर दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक अगर रोहित तैयार हो जाते हैं तो गुजरात शुभमन गिल या दिल्ली कैपिटल्स डेविड वॉर्नर को हटाकर उन्हें अपना कप्तान बना सकती है।